उत्तर प्रदेश की सीतापुर में लोगों ने मोबाइल चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। लोगों में गुस्सा इतना जबरदस्त था कि मौजूद भीड़ ने चोर को काफी देर तक इतने थप्पड़ मारे कि उसके गाल पर सूजन आ गई। लेकिन बावजूद उसके लोगों का गुस्सा ठंडा नहीं पड़ा। भीड़ इतने गुस्से में थी कि वो सब उसको पेन बोर्ड में मारते हुए सीतापुर के जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड तक ले गए और मौजूद डॉक्टर के सुपुर्द कर दिया। मौजूद डॉक्टर्स ने सारे मामले को समझते हुए उसे पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद उसे शहर कोतवाली भेज दिया गया। चोर को पकड़ने वाले शख्स का कहना है कि ये और उसके साथ ही महिला अस्पताल से लेकर जिला अस्पताल तक मरीजों के मोबाइल चुराते हैं और उनको सस्ते दामों में बेच देते हैं और फरार हो जाते हैं। आरोप ये भी है कि मोबाइल बेचने के बाद ये सब जहरीला नशा करते हैं। मोबाइल चोरों के इस गिरोह से लोग काफी परेशान थे, अब लोगों को राहत की सांस की उम्मीद है। और महिला हॉस्पिटल के सामने हमारी एम्बुलेंस खड़ी है, गरीब आदमी आया कहने लगा भैया एम्बुलेंस पे आप बैठे हैं, यहाँ पे किसी को देखा लड़के भागते हैं, तो हमने कहा भैया हमने नहीं देखा, तो मुझसे हम जब देखे नहीं तो क्या बता देते। बाकी जो है यानी कि जब कहने लगा तो हम शायद हमने कहा यही लिया हो, उधर से भागता हुआ आया, बस इसके पीछे पीछे हम आए तो हमने पूछा कि मोबाइल लिए हो, तो कह रहा हम नहीं लिए, बस छुड़ा के भाग गए, बस इतना बात रही। इसकी जेब से कितना रुपया निकला है? 180 रुपये हमने तलाशी ली है, तो 180 रुपये निकला था।